हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग हुई है सब लोगों की, हमारी भी गुड मॉर्निंग हुई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है, बैंक वालों ने पेमेंट नहीं की है। जिन जिन बंदों के हमने लोन कर रखे हैं, हमारी कुछ पेमेंट अटकी हुई है, बैंक हमें पेमेंट नहीं कर रहा, उसके लिए हमने कंप्लेंट रेज की है। देखते हैं कि कब तक सोल्यूशन मिलता है। दूसरा आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपेयरिंग से रिगार्डिंग। आज थोड़ा रिपेयरिंग के बारे में और डीपली बताएंगे कि रिपेयरिंग कराते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी। कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी हमारी बाइक के अंदर, आपने बहुत बार देखा होगा कि सर्दी के अंदर या फिर ज्यादा चलाने के बाद, खासकर स्प्लेंडर बाइक के अंदर एक अजीब सा साउंड आता है, छन 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 टाइप का। लेकिन जब हम उसको सुनते हैं ना, हमें ऐसा फील होता है कि ये कहीं क्रैंक का या फिर कहीं पिस्टन का साउंड ना हो। हम कई बार मिस्त्री के पास चले जाते हैं, मिस्त्री हमें बोलता है सर आपका पिस्टन बोल गया है या और कुछ बोल गया है। हम मिस्त्री के पास जाते हैं तो मिस्त्री ये चाहता है जितना बड़ा काम होगा जितनी बड़ी लेबर होगी, लेबर इन सेंस इतने ज्यादा पैसे वो आपसे लेगा, आपसे पैसे ऐठेगा। काम छोटा होता है लेकिन वो बढ़ा देता है और ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। सारे मिस्त्री एक जैसे नहीं होते, मैं सिर्फ झोला छाप मिस्त्रियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मिस्त्री जेनुअन भी होते हैं, जो जेनुअन काम करते हैं, जेनुअन स्पेयर पार्ट डालते हैं। तो आज मैं एक बार आपको ना एक पार्ट को ओपन करके दिखाता हूँ कि ओपन होने के बाद पार्ट कैसे पता लगेगा कि ये जेनुअन है या नहीं है। ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर का जेनुअन स्पेयर पार्ट है। मैं आपकी आंखों के आगे इसको ओपन कर रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये जेनुअन है नहीं है। एक कभी भी किसी भी मिस्त्री के पास अपनी बाइक छोड़ के ना जाए, सामने बैठ के ही काम कराए, क्योंकि मिस्त्री बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूं कि किस बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। ये मैंने अभी भी आपकी आंखों के आगे ही इसको ओपन किया है। ये होती है जी टाइमिंग चैन की गरारी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर ना टाइमिंग चैन रन करती है इंजन के अंदर, पूरे इंजन को जो घुमाती है ना वो चैन होती है टाइमिंग चैन, उसके अंदर ये लगती है। इसकी जेनुअन की कॉस्ट है 40 रुपीज। अब इसके ऊपर प्रिंटेड है 40 रुपीज, तो हमें पता है 40 रुपीज की है। और अगर मैं इसको बिना इसके आपको दिखाऊं कि ये कितने की है, तो कौन कैसे गैस कर सकता है? जी हमारा तो काम नहीं है रिपेयरिंग का। आपने कितनी रिपेयरिंग कराई होगी अपनी जिंदगी में, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, लेकिन पता नहीं चलता ना छोटे छोटे पार्ट में कितने रुपए के आते हैं, कितने रुपए के नहीं आते हैं। तो ये जेनुअन पार्ट सिर्फ 40 रुपीज का है, जेनुअन। और लोग क्या बोलते हैं, इसकी पॉली बैग उतार देते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इसकी पॉली बैग उतार देते हैं और फिर बोलते हैं सर ये जेनुअन है लेकिन इसका हमारे पास है ना रैपर नहीं है, 150 रुपए का आता है सर, आपको 100 रुपए का लगा दूंगा। 100 रुपए का तो आपको वैसे चेप दिया, आता 40 का है जेनुअन, कोई भी ले ले, छोटा आदमी ले ले, बड़ा आदमी ले ले, कोई भी जाओ एजेंसी से जाके खरीद लो, स्पेयर पार्ट से खरीद लो, 40 रुपए का ही आता है। लेकिन आपको बोलेंगे जी 150 रुपए का आता है, आप 100 दे देना, मेरे पास एजेंसी से आया हुआ है, ये झूठ बोल देते हैं। और लोकल बोल देते हैं कई बार कि सर ये लोकल है, 130 रुपए का आता है, आपको लोकल दे देंगे बड़े प्राइस में। बहुत सारे ऐसे स्पेयर पार्ट है जो लोकल महंगे आते हैं, जेनुअन इवन सस्ते आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये ही पार्ट इंजन के अंदर इतना साउंड बना देता है जिससे पता लगता है कि इंजन में बहुत ज्यादा आवाज है। मिस्त्री इसको डालेगा, 40 रुपए की आती है और आपको कहेगा जी काम हो गया आपका। और जब आप आओगे स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि हाँ सच में काम भी हुआ है हमारा, लेकिन मिस्त्री आपके साथ धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है। बहुत सारे झोला छाप मिस्त्री होते हैं जो सिर्फ सर्विस करना जानते हैं, उसके अलावा उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनका काम यही होता है कि ठगा बगी करके रात को 500-700 रुपए कमा के अपने घर चले जाए। लेकिन किसी के साथ धोखा मत करो भाई, मैं सभी मिस्त्रियों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ मिस्त्री हैं ऐसे जो सच में धोखा करते हैं, 40 रुपए की चीज को 150 रुपए की बता के चेप देते हैं। ऐसा मत करो भाई किसी के साथ। अगर आप भी हमारे पास से किसी प्रकार की नॉलेज लेना चाहते हो तो अपना कमेंट में बता दीजिए आपकी बाइक में क्या आवाज है, क्या आवाज नहीं है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो छोटराम चौक गोहाना रोड सोनीपत हमारा शोरूम है, आपको पूरी सटीक नॉलेज दूंगा। मेरे को 8 साल हो गए काम करते वक्त, मैं रिपेयर नहीं कर सकता लेकिन साउंड सुन के बता सकता हूँ कि किस चीज का साउंड है, चैलेंज के साथ। बड़े से बड़ा मिस्त्री आगे मेरे से चैलेंज कर ले, मेरे से पूछ ले आवाज किस चीज की, उस चीज की ना मिले तो मैं जिम्मेवार हूँ भाई। अगर आप भी मेरे पास आके अपना कोई काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं कराने के लिए रेडी हूँ। लेबर मैं कभी चार्ज करता नहीं, मेरे पास किसी भी काम की कोई लेबर नहीं है, लेबर फ्री काम करता हूँ मैं। मेरा मोटिव पैसे कमाना नहीं है, मेरा मतलब ये है
कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, सामान के बारे में बताया जाए, कौन सा सामान लेने लायक है, कौन सा सामान लेने के लायक नहीं है। आपकी खून पसीने की कमाई भाई, ऐसे मत अपनी कमाई को बर्बाद करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी हो, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का।